बल्लभगढ़ विधानसभा से हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा लगातार आपको लोगों से मिलवा रही है, उनके मुद्दे इस बार दिखा रही है, चुनावों में क्या कुछ रहने वाले और किसका पलड़ा भारी है ये हम लगातार बता रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी टक्कर रहने वाली है? अभी काहे की भी पता ना लग रही, काहे की भी पता नहीं लग रही। क्या लगता है फिर भी आपके अंदाजे से? आपके कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस का जोर है। तो क्या विधायक के तौर पे कि सरकार के तौर पे हरियाणा में? ये अब ये हरियाणा में तो उसकी सरकार है बीजेपी की। चुनाव है ना अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में, नवंबर में। हाँ, तो उसमें जो कांग्रेस को बन रहा है, लगता है सरकार कांग्रेस बना लेगी? लगता है कांग्रेस सरकार बना लेगी? हाँ, विधायक के तौर पे मूलचंद शर्मा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, काम वाम किए कि नहीं? का काम सबके आ गए, तुम देख लो बल्लभगढ़ में जाए के जैसे काम करे हैं, बढ़िया किए हैं। हाँ, बढ़िया करे हैं। ठीक है, कह रहे मूलचंद शर्मा ने बढ़िया काम किया, आपको भी लगता है बढ़िया काम हुए? मेरे सब बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सारे ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं उधर, हम उनसे भी बात करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? सफाई को छोड़ के बाकी सारे काम ठीक है? तो भरी पड़ी है साड़ी बल्लभगढ़ का एरिया, हम क्या करें? साफ सफाई नहीं हो रही। मुंह देख के तलक करता है मूलचंद पंडित, कहीं रोड बना दी, बाकी जानकार कहीं गली छोड़ दी, कहीं बना दी, कहीं छोड़ दी। तो सिर्फ अपने जानकारों का ही काम कर रहे हैं? जानकार कोई कर रहा है, मूलचंद और किसको? क्या परेशानी है यहाँ पर सड़कों के अलावा? पूरी गंदगी भरी पड़ी है, कहीं भी जाके घूम लो कोई सी गली में, सीवर लाइन सारी सब बंद पड़ी। किसी भी चीज का सामाजिक जो है वो तो न्याय है ही नहीं, नहीं है न्याय। अब नालेन की मट्टी निकलवाई है, हाँ। दोनों ओर यहाँ जाके देख लो, यहाँ से फिर भर जाएगी वो तो, उसको कवर तो किया ही नहीं, तो उसमें तो फिर डाल देंगे लोग, पॉलीथीन डालेंगे। तो ये तो मानसून का सीजन है, वो कहेंगे बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। हिंदुस्तान में मानसून में ही आता है पानी, कोई रोज थोड़ा आ रहा है। मानसून के लिए ही एक साल का टाइम होता है, 9 महीने का साफ करने का, 3 महीने उसमें पानी रहना होता है, तो 3 महीने के लिए सफाई नहीं, 9 महीने काम नहीं होता है, सफाई का काम नहीं हो रहा। और करोड़ों रुपया का वो आयो खर्चा पानी, सब खा गए मंत्री लेकर, और चलो ना एक मिनट भी ना चलो, एक दिन तो बहुत दूर। अच्छा, कभी आए पानी चल रहा ही नहीं है? अरे आज तक ना चलो, जब से बने हो ना जब से लेके अब तक ना चल रहा हूँ। फवारा यहाँ पे एक लगा हुआ था, यहाँ अलग था, तो वहाँ का ये उठा के ले आए यहाँ पे और यहाँ लगा दिया और चला एक दिन भी नहीं। तो वैसे इस पार्क में और क्या काम किया है मूलचंद शर्मा ने? इस पार्क में और क्या काम है? 2-3 छतरी से बनाई है, छतरी बनाई है और खेलने का सामान, ये जो एक्सरसाइज करने का ये लगा है, इसके अलावा कोई काम नहीं? हाँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोई और ज्यादा काम हुआ नहीं है ना, पार्क भी बचा है तो। पार्क के अंदर पार्क में चला गया था इतना हिस्सा, उसको मूलचंद ने हटवाया है। अगर बारिश आ जाती है ना तो पार्क के अंदर गंदे नाले का पानी पूरे पार्क में भर जाता है। अच्छा। हाँ जी, इस गेट से सारा आता है, ये नाला जा रहा है, और जो अंदर फंसे होते हैं ना अंदर ही रह जाते हैं बारिश में, बाहर नहीं निकल पाते, और इतना बदबूदार पानी होता है कि अगले 5 दिन तक तो पार्क में आप आ ही नहीं सकते जब तक सूखता नहीं है। तो परेशानी लोगों की बड़ी है, ये इन फवारों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लगे तो हैं लेकिन चले एक मिनट के लिए भी नहीं है, ऐसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर से भी तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखिए कितनी गंदगी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ गंदगी ही है यहाँ पे, कुछ पत्थर है, कुछ ईंटें हैं, कुछ कचरा है, और इस फवारे के अंदर तो कुछ पौधे भी अपने आप से ही निकल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की शिकायत, लोगों की नाराज़गी होना लाजमी भी है, और इन परेशानियों का समाधान क्यों नहीं हुआ, और होना चाहिए था। अगर ये बनाया ही है तो कम से कम इसको ऑपरेशनल तो कर देते, चलना तो चाहिए था ताकि लोगों को सहूलियत तो मिलती, लोगों को अच्छा तो लगता जब इस पार्क में आते अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, बैठने के लिए, तो एक नज़ारा कम से कम खूबसूरत देखने को मिलता। कोशिश है लेकिन अधूरी है, पूरी हो जाती या अब कर लें पूरी तो काफ़ी हद तक सही रहेगा। कुछ और लोग भी हैं मल्लभगढ़ विधानसभा में, क्या लगता है किसका जोर है? जोर किसका, जिसकी किस्मत मुकद्दर का सिकंदर है, जो जीतेगा अपने। आपको क्या लगता है टक्कर होगी या बीजेपी के लिए रहा आसान है? अगर शारदा को मिलेगी तो शारदा पार जाएगी। अच्छा, कांग्रेस से अगर मिलेगी तो शारदा निकाल देगी? गारंटी से 100%।
तो आपको लगता है शारदा राठौर सूटेबल हैं बल्लभगढ़ के लिए, काम करवाएंगी? जो लोग परेशान हैं गलियों से, पानी से, गंदे पानी से, तो पार जाएगी, उसको कोई नहीं रोकने वाला। अच्छा, तो हरियाणा में क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? इतनी नॉलेज नहीं है, बस अपने इलाके विधायक की बताया आपको। हाँ, बस हम टेंशन, मूलचंद शर्मा के काम से खुश नहीं है क्या? अब देखो पब्लिक को, आप देख लो, घरों में गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह सीवर जाम है, क्या हो रहा है? तो यही सबसे बड़ी समस्या है, गंदगी का ढेर है। मतलब मानसून के जस्ट बाद चुनाव होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा? अब ये पता नहीं, देखो अब क्या पता, मुकद्दर का सिकंदर आजकल कोई पता नहीं है किसी, कह रहे मुकद्दर का सिकंदर कौन बन जाए कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जरूर है कि मानसून है और मानसून के जस्ट बाद चुनाव है, तो ऐसे में अभी जो लगातार परेशानियां लोग झेल रहे हैं उसको लेकर वो नाराजगी उनमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है, और उसका सलूशन क्या है, उसका हल क्या है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से टिकट दी जाती है एक स्ट्रांग नेता को, जो वो चाह रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमाल हो सकता है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है। बल्लभगढ़ विधानसभा की राह थोड़ी सी आसान उसके लिए हो सकती है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ उनकी